बीसीसीएल एरिया 5 के तितुलमारी कोइलवरी कार्यालय का स्थानीय बीसीसीएल श्रमिकों ने घेराव कर जमकर बवाल काटा। श्रमिकों ने स्थानीय बीसीसीएल प्रबंधन के खिलाफ कोइलवरी कार्यालय में धरने पर ही बैठ गए। श्रमिकों ने प्रबंधन पर अनियमित वेतन भुगतान करने का आरोप लगाया है। पूरा मामला यह है कि श्रमिकों को इस महीने का वेतन कार्य दिवस पर बराबर नहीं आया, चूँकि लगभग एक वर्ष से वेतन पर्ची भी वेतन भुगतान के एक महीने बाद आ रहा है। इसलिए यह पता चलाना मुश्किल है कि वेतन कटौती के मुख्य कारण क्या है। अनियमित वेतन और वेतन पर्ची में विलंब को लेकर श्रमिकों में खासा आक्रोश देखने को मिला। वहीं श्रमिकों के प्रदर्शन को देखकर प्रबंधन के भी कान खड़े हो गए। प्रबंधन ने आनन फानन में सभी श्रमिकों के वेतन पर्ची को अविलंब छपाई को लेकर क्षेत्रीय कार्यालय से आग्रह किया, ताकि वेतन में कटौती या फिर जिस प्रकार की गड़बड़ी हुई है उसका पटाक्षेप हो सके। इस कार्यवाही की जानकारी देते हुए कोइलवरी के परियोजना पदाधिकारी आलमगीर आलम ने यह भरोसा जताया है कि वेतन पर्ची आ जाने के बाद श्रमिकों की समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। बहरहाल जिस तरीके से श्रमिक आक्रोशित हैं और अपनी मांगों को लेकर गोलबंद हो चुके हैं, यह घटना कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले दिनों में प्रबंधन पर श्रमिकों का यह आक्रोश भारी पड़ने वाला है। क्या आप लोग एकजुट हुए हैं, क्या करना? कल 10 तारीख था, 10 जनवरी को हम सभी मजदूर का तनख्वाह क्रेडिट हुआ है, चढ़ा है। तनख्वाह चढ़ने के बाद में हम सब लोग देख रहे हैं कि सभी का तनख्वाह में कम है। कम होने के बाद सब लोग ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा तनख्वाह इतना कम कैसे है। पिछले सप्ताह संडे की मामला आया था कि संडे किसी का नहीं चढ़ा है। एक नया सेफ बोल करके साइड है, उसके माध्यम से एक्सेल में फॉर्मेट में बना करके भेजना था संडे के, जो नहीं भेजा गया था। तो पिछले शुक्रवार को पिछले सप्ताह में उसे सुधारने के लिए एरिया में हम लोग गए थे और उसको सुधारने का प्रयास किए थे। वहां के अधिकारी द्वारा सुधारने का आश्वासन दिया गया था कि आज सुधार करके हम लोग एक दिन बाद तनख्वाह चढ़ा। लेकिन जब कल तनख्वाह चढ़ा तो वो संशोधन हुआ कि नहीं हुआ संडे का, ये हम लोग के पता नहीं चल पा रहा। इसलिए सबसे पहले हम लोग सभी संयुक्त मोर्चा के नेता और हमारे चतुर्मारी कोइलवरी के सभी श्रमिकगण आज विरोध कर रहे हैं कि हम लोगों को वेतन पर्ची सबसे पहले दिया, और हम लोग के आज एक सूत्री मांग है कि वेतन पर्ची दिया जाए, ताकि हम लोग देखे कि मेरा जो वेतन विसंगति था वो दूर हुआ है या नहीं। बस इसी मांग के लेकर के आज हम लोग संयुक्त मोर्चा और एकत्रित हुए हैं, और ये विरोध हम लोग का जारी रहेगा जब तक कि हमको वेतन पर्ची लाकर के देते नहीं। सर क्या मामला आज का? सर सब कर्मियों लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोगों का मामला है कि हम लोग सैलरी कम बनाए दिसंबर में जाता है। इन लोगों का अकाउंट में पेमेंट हो गया है सैलरी, जो कि पे स्लिप नहीं मिला है, इसलिए इन लोगों को क्लियर नहीं है कि कहाँ सैलरी कटा है, इनकम टैक्स में कटा है या कोई सैलरी छूटा है या किसी और लीव वगैरह छूट गया है। तो पे स्लिप मिलने के बाद ही क्लियर होगा, और पे स्लिप अभी जस्ट आया है, अभी बटवा देंगे, उसके बाद क्लियर होगा कि मामला क्या है। कर्मियों का कहना है सर 4 से 5 महीना से ऐसा हम लोग के साथ हो रहा है। नहीं ऐसा नहीं है, वेतन मिलता है, स्लिप नहीं मिलता है। नहीं, ये लेट मिलता है। हाँ, 1-1.5 महीना लेट आता है, मिलता है, तो उसके लिए इम्प्रूवमेंट की कोशिश हो रही है। तो ये कब तक सुधार हो जाएगा सर? अभी तो इस महीना का सैलरी पेमेंट स्लिप आज आ गया इन लोगों का, है ना। कोशिश करेंगे कि अगले महीना सैलरी अकाउंट में जाने से पहले मिल जाए। कर्मियों का कहना है सर कि बहुत सारा स्लिप में छुट्टी का और हाँ, ये नहीं चढ़ रहा है। नहीं, उसमें कुछ दिक्कतें हो सकती है कुछ लोगों का, इसीलिए कि नया सिस्टम स्टेप लागू जो किया है ना, तो उसमें कहीं गलती हो सकता है, ओवर हो सकता है, तो जो भी गलती सही हुआ होगा उसको जो है ना सुधार कर दिया। ठीक है सर। आज आप लोग किस लिए यहाँ पे जुटे हैं? आज हम लोग तेतुलमारी कोइलवरी के जितने भी ट्रेड यूनियन संयुक्त मोर्चा के नेतागण हैं और सारे श्रमिक लोग हैं, आज हम लोग वेतन पर्ची के खिलाफ में ऑफिस पे धरना दिए हुए हैं।
वेतन पर्ची में क्या है, बहुत सारे गड़बड़ियां आए हैं। जैसे कोई छुट्टी लिया है तो छुट्टी का पैसा बनकर नहीं आया है, किन्हीं का इनकम टैक्स कटा है तो जब कटना चाहिए 5,000 तो कटा है 20,000 या कटा 30,000, कुछ पता नहीं है, जरूरत से ज्यादा काट लिया गया है। और मजदूर में हम लोग को कोई पता नहीं चल रहा है कि कैसे कटना चाहिए और कैसे नहीं कटना चाहिए। पे स्लिप करीब 6 महीना से क्लियर नहीं देता है। पेमेंट हम लोग जब अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है तो हम लोग का सारा पैसा उठ जाता है, उठा लेते हैं, उसके बाद मालूम चलता है कि दूसरा महीना स्लिप आ रहा है। तो दूसरा महीना में कौन कौन चीज छूटा है, छुट्टी छूटा है या संडे नहीं मिला है, उसको क्लियर पता नहीं हो पाता है। क्या पे स्लिप में आप लोग को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं क्या? हाँ, पे स्लिप में मैनेजमेंट क्लियर नहीं कर पा रही है। मिला ही नहीं पे स्लिप? नहीं मिला है। अगर सिस्टम बहुत दिनों से 6 महीने खराब चल रहा है, अभी तक स्लिप नहीं मिला और पेमेंट क्रेडिट हो गया है। पेमेंट क्रेडिट हुआ तो किसी को 10,000 पेमेंट मिला, किसी को 15,000 मिला है। अभी इतना में पता नहीं चल रहा कि कैसे हमको पैसा कटा और कैसे कम मिला है। तो जब तक पेमेंट का पर्ची नहीं, वेतन पर्ची नहीं मिलेगा तो हम लोग पता कैसे लगेगा। उसी के खिलाफ में संयुक्त मोर्चा के लोग और सारे श्रमिक साथी हम लोग एकत्रित है, ऑफिस में धरना दिए कि जब तक वेतन पर्ची नहीं मिलेगा हमारा, जब तक देखेंगे नहीं तब तक हम अपने अपने काम पर नहीं जाएंगे। क्या मांग करते हैं प्रबंधक से, क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं कि वेतन पर्ची हम लोग समय से दीजिए और वेतन पर्ची पहले दीजिए। वेतन पर्ची पहले देने के बाद हम लोग उसमें देखेंगे कि कौन सा संडे छूटा हुआ, छुट्टी छूटा हुआ, कितना अटेंडेंस आया हुआ, उसके बाद हम लोग को पेमेंट क्रेडिट कीजिए। पहले पेमेंट क्रेडिट करते हम लोग को वेतन पर्ची मिलता ही नहीं है। तो प्रबंधन से मांगा कि वेतन पर्ची पहले दीजिए, पेमेंट बाद में चढ़ाइए हम लोग के अकाउंट में। क्या मांगे पूरी नहीं होती तो क्या करेंगे? अगर मांगे पूरी नहीं होती तो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन करेंगे। जब तक आश्वासन नहीं मिलेगा या स्लिप नहीं देंगे तब तक हम लोग आंदोलन जारी, हम लोग संयुक्त मोर्चा का श्रमिक जारी रहेगा। सर हम लोग का फॉर्मेट पार्ट नहीं है। ये आप लोग का जो धरना प्रदर्शन है जी, क्या दिन भर रहेगा या फिर अनिश्चितकालीन का, जब तक आपका आश्वासन नहीं होता है तब तक रहेगा? अभी प्रोजेक्ट ऑफिसर और प्रोजेक्ट मैनेजर अभी आश्वासन दिए हैं कि 2 घंटा 1.5 घंटा के अंदर में पे स्लिप छप करके एरिया से आ जाएगा। आप लोग रुकिए यहाँ पे और पे स्लिप अपना देख लीजिएगा तो विश्वास हो जाएगा। तो हम लोग उसी पे स्लिप वेतन पर्ची के इंतजार में हम लोग रुके हुए हैं। प्रबंधन अभी आश्वासन दिए है अगर वेतन पर्ची मिल जाता है तो हम लोग अपना मतलब पे स्लिप देखेंगे और पे स्लिप देकर अपने काम पे जाएंगे। अगर नहीं मिलता तो आप लोग नहीं जाएंगे? नहीं, अभी प्रबंधन आश्वासन दिया है कि रुकिए, उनके कहने पर अभी हम लोग रुके हुए हैं और वेतन पर्ची लेकर जाएंगे। क्या पर्चे हुआ आपको? मेरा नाम हरिद्वार चौहान है, जनता मजदूर संघ का तेतुमारी का शाखा सचिव। आज जो हम लोग एकत्रित हुए हैं संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में, ये पहले आज से नहीं विगत वर्षों से ये परंपरा गलत निकाला है प्रबंधन ने। तनख्वाह दे देती है लेकिन पे स्लिप नहीं देती है, और तनख्वाह देने के बाद 1.5 महीने के बाद पे स्लिप मिलता है तो किसी को सीएल छूट गया, किसी को सिक्स छूट गया, किसी को ईएल छूट गया। तो मजदूरों में काफी दिनों से आक्रोश था। आज हम लोगों ने संयुक्त मोर्चा के बैनर तले मजदूरों ने स्वतः जागने का काम किया है। सबसे पहले मजदूरों को हम धन्यवाद देते हैं संयुक्त मोर्चा तरफ से, इन्होंने अपने हक और अधिकार के लिए आज समय निकाल के आज हम लोग तेतुलमारी कोलेरी को तालाबंदी का भी कार्यक्रम हम लोग किए थे, तालाबंदी हम लोग किए थे और मोर्चा के तत्वाधान में। आगे भविष्य में ऐसा ना हो, जिन्होंने अभी वार्ता में हम लोग को बुलाया गया था, हमने वार्ता में नहीं जाने का फैसला किया। हम लोग की आज एक ही सूत्रीय मांग है कि तनख्वाह के पहले वेतन पर्ची दिया जाए। ऊपरी प्रबंधन से यहाँ के लोकल प्रबंधन ने बात किया तो बोला कि 1.5 घंटा समय लगेगा एरिया से छापने में पे स्लिप इस माह का दिसंबर महीना का। तो हमने बोला कि आपको हम 2 घंटा का समय देते हैं लेकिन पे स्लिप लेके ही हम कोई वार्ता करेंगे डिमांड देके। क्या कोई अधिकारी आए थे? हाँ, हमारे प्रोजेक्ट ऑफिसर आए थे, आपका कर्मी। क्या नाम? आलमगिरी आलम परियोजना पदाधिकारी और फाइनेंस अफसर प्रमोद कुमार, कर्मिक प्रबंधक प्रमोद कुमार। क्या बताया? उन्होंने आश्वासन दिया कि 2 घंटे के अंदर में पे स्लिप आएगा और हम लोग बटवाएंगे। उसके बाद हम लोग नेताओं ने बोला कि पे स्लिप देख के क्या क्या उसमें त्रुटि है उसको दूर करने के लिए 24 घंटे के अंदर अल्टीमेटम देके उनसे हम लोग वार्ता करेंगे और मजदूरों की समस्या को निराकरण करने का हम लोग कार्य करेंगे।